माइनस एन मल्टीप्लाई
by 4 is 4m minus 3. Second term को first के साथ multiply करेंगे, फिर second को second के साथ multiply करेंगे. It means 3 multiply n is 3n. Minus minus क्या हो जाएगा? Plus 3 multiply 4 is 12 is equal to 20. तो ये इधर plus में इधर आके हमने क्या कर दिया? Minus is equal to 20. So n square as it is minus 4n minus 3n is 7n. 12 minus 20 here is 8. तो ये term क्या है हमारी बड़ी? इसमें क्या है? Negative sign है, तो हमने आगे negative sign लगा दिया. Is equal to 0. So n की value हम ये formula लगा के निकालेंगे कि क्या आएगा. नेक्स्ट हम ये फॉर्मूला लगाएंगे और हम n की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे. so, n की वैल्यू हमारी क्या आएगी इस फॉर्मूले से, वो अभी हम फाइंड आउट करेंगे. तो क्या है हमारे पास इक्वेशन गिवन है, n स्क्वायर माइनस 7n माइनस 8 इज इक्वल टू 0. सो n की वैल्यू क्या होगी? फर्स्ट हम लिखेंगे कि ए बी और सी क्या है हमारी टर्म्स. ए गिवन है हमें 1, बी की वैल्यू है माइनस 7 और सी की वैल्यू हमारे पास क्या गिवन है? माइनस 8. तो अब हम ये वाला फॉर्मूला पुट करेंगे, इसमें ए बी सी की वैल्यूज पुट करेंगे ये वाले फॉर्मूले में. तो हमारा फॉर्मूला क्या है? एन इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बाय 2a. तो b की वैल्यू हमें क्या गिवन है? माइनस 7. सो माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर, इट मींस माइनस 7 का क्या हो जाएगा? स्क्वायर माइनस 4. a की वैल्यू क्या है हमारी? 1. c की वैल्यू क्या है? माइनस 8 बाय 2a. a क्या है हमारा? 1. सो नेक्स्ट माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस, इट मींस प्लस 7 प्लस माइनस अंडर रूट 7 का स्क्वायर क्या आएगा? 49. 49 माइनस 4 मल्टीप्लाई 8 इज माइनस माइनस ये क्या हो जाएगी टर्म प्लस. तो 4 मल्टीप्लाई 8 इज 32 डिवाइड बाय 2. सो नेक्स्ट हम क्या करेंगे? 49 प्लस 32 को ऐड करेंगे तो इसका स्क्वायर रूट क्या होगा? 81. 81 का स्क्वायर रूट क्या होता है? 9. 81 का स्क्वायर क्या होता है? 9. तो हम क्या लिखेंगे नेक्स्ट? 7 प्लस माइनस अंडर रूट 81 डिवाइड बाय 2. इनको हमने इन टर्म्स को ऐड कर दिया तो क्या आएगा? 81. सो अंडर स्क्वायर रूट 9 का क्या होता है? 9 को अगर 9 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा? 81. तो 7 प्लस माइनस 9 बाय 2. तो अब इसमें क्या है? एक बार इसमें टर्म प्लस हो रही है और दूसरी बार माइनस करना है हमें. तो हम क्या करेंगे? 7 प्लस 9 बाय 2. 7 प्लस 9 बाय 2 एक बार हम प्लस करेंगे और एक बार माइनस करेंगे. तो इसका आंसर क्या आएगा? 16 बाय 2. 9 प्लस 7 16 बाय 2 माइनस 2 बाय 2. हमारा आंसर एन की वैल्यू क्या आई? एक तो आई 8 और दूसरी क्या आई? माइनस 1. तो इसी तरह हम n की वैल्यूज आगे और भी फाइंड कर सकते हैं. सो नेक्स्ट हम आपका ये सारे क्या है? अनसॉल्व्ड एक्सरसाइज है आपकी. अनसॉल्व्ड सम्स करवा रही हूं मैं आपको. फर्स्ट आपने पहले एग्जांपल्स करने हैं, उसके बाद अनसॉल्व्ड एक्सरसाइज करनी है, फिर आपसे इजीली आप सम सॉल्व कर पाओगे. तो अब इसका सेकंड है, सेकंड सम सॉल्व करेंगे अभी हम. So your next sum is sum number 2. Sum number 2 है आपका 11C2. So आपका sum है 11C2. अब ये मैंने बताया और C किससे represent होता है? C को क्या बोलते हैं? Combination. P stands for permutation. अगर यहाँ P आ जाए तो वो क्या है? Permutation का formula लगाएंगे उसमें हम. अगर सी आ जाए तो इसमें हम कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला लगाएंगे. तो ये हम कैसे ओपन करते हैं? ऊपर वाली टर्म का फैक्टोरियल, इट मींस 11 फैक्टोरियल डिवाइड बाय बेस पे जो टर्म है उसका फैक्टोरियल डिवाइड बाय 2 फैक्टोरियल इनटू 11 माइनस 2 फैक्टोरियल.
तो क्या आएगा 11 फैक्टोरियल एज इट इज डिवाइड बाय 2 फैक्टोरियल, तो 11 माइनस 2 फैक्टोरियल इज 9 फैक्टोरियल। सो 11 फैक्टोरियल को एक्सपेंड करेंगे, कहां तक एक्सपेंड करेंगे 9 फैक्टोरियल तक, क्योंकि नीचे क्या टर्म दी हुई है 9 फैक्टोरियल, तो वो 9 से 9 कैंसिल हो जाएगा, 11 * 10 * 9 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 2 * 1 * 9 फैक्टोरियल, तो 9 से 9 कैंसिल हो जाएगा, 2 की टेबल पर 10 कहां आता है 5 पर, तो हमारा आंसर क्या आ गया 11 मल्टीप्लाई 5 हियर इज 55। सो अब हम दोबारा देखते हैं इसे हमको किया कैसे है। फर्स्ट हम ऊपर वाली टर्म का क्या करेंगे फैक्टोरियल, अब हम कॉम्बिनेशन की बात कर रहे हैं, तो हम क्या करेंगे 11 फैक्टोरियल डिवाइड बाय बेस में जो टर्म दी हुई है उसका फैक्टोरियल डिवाइड बाय 2 फैक्टोरियल इनटू इन दोनों की सबट्रैक्शन 11 माइनस 2 फैक्टोरियल। उसके बाद हमने नेक्स्ट स्टेप क्या किया है 11 फैक्टोरियल एज इट इज ही हमने रख दिया डिवाइड बाय 2 फैक्टोरियल 11 माइनस 2 फैक्टोरियल इज 9 फैक्टोरियल। अब हमने 11 फैक्टोरियल को कहां तक एक्सपेंड किया है 9 फैक्टोरियल तक, तो हम 9 फैक्टोरियल तक एक्सपेंड कर देंगे, 9 से 9 हमारा क्या हो जाएगा कैंसिल, 2 फैक्टोरियल हमने ओपन किया तो उसका क्या आया 2 * 1, 2 की टेबल पर हमने कट कर दिया 10, 5 पर कट हो गया, तो 11 मल्टीप्लाई 5 ये आपका आंसर आ गया 55। तो सेकंड सम अब हम सोल्व करेंगे, सेकंड सम है हमारा 8c4 प्लस 8c3 इज इक्वल टू 9c4। तो हमारा ये क्वेश्चन है सम नंबर सेकंड 8c4 प्लस 8c3 इज इक्वल टू 9c4। इसका हमने क्या करना है लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के इक्वल प्रूव करना है, तो इसको भी हम सेम जैसे हमने ये एक्सपेंड किया था ये ओपन किया था वैसे कॉम्बिनेशन का हम ये फर्दर ओपन करेंगे 8c4। तो इस पहले हम फर्स्ट हम ऊपर वाली टर्म का फैक्टोरियल मींस 8 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 4 फैक्टोरियल इनटू 8 माइनस 4 फैक्टोरियल प्लस उसके बाद हम नेक्स्ट भी हमने ऐसे ही करना है 8 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 3 फैक्टोरियल इनटू में इन दोनों की सबट्रैक्शन, इट मींस 8 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 3 फैक्टोरियल इनटू 8 माइनस 3 फैक्टोरियल इज इक्वल टू नेक्स्ट आगे क्या है इज इक्वल टू 9c4 मींस 9 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 9 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 4 फैक्टोरियल इनटू 9 माइनस 4 फैक्टोरियल। सो अभी हम इसे सॉल्व करते हैं, ये टर्म एज इट इज 8 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 4 फैक्टोरियल इनटू 8 माइनस 4 फैक्टोरियल इज 5 फैक्टोरियल प्लस 8 फैक्टोरियल एज इट इज डिवाइड बाय 3 फैक्टोरियल 8 माइनस 3 हियर इज 8 माइनस 4 हियर सॉरी 4 फैक्टोरियल एंड 8 माइनस 3 फैक्टोरियल हियर इज 5 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 9 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 4 फैक्टोरियल 9 माइनस 5 हियर इज 4 फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल। सो हमने क्या किया है सिंपली हमने जो सबट्रैक्शन थी उसको ओपन किया है, बाकी टर्म्स हमने एज इट इज लिख दी, 8 फैक्टोरियल एज इट इज डिवाइड बाय 4 फैक्टोरियल 8 माइनस 4 फैक्टोरियल इज 4 फैक्टोरियल प्लस 8 फैक्टोरियल एज इट इज डिवाइड बाय 3 फैक्टोरियल 8 माइनस 3 हियर इज 5 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 9 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 4 फैक्टोरियल 9 माइनस 4 इज 5 फैक्टोरियल। सो हम नेक्स्ट स्टेप क्या करेंगे अब हम 8 फैक्टोरियल को ओपन करेंगे कहां तक 4 फैक्टोरियल तक, सो मींस 8 * 7 * 6 * 5 * 4 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 4 * 3 * 2 * 1 मल्टीप्लाई 4 फैक्टोरियल। सो 4 फैक्टोरियल से ये 4 फैक्टोरियल टर्म कैंसिल हो गई, सो ये भी जो टर्म आपस में कैंसिल हो गई इसको भी कैंसिल कर देंगे, ये कैंसिल होगी 2 से 2 कैंसिल 3 की टेबल पर 6 का आता है 2 पर प्लस नेक्स्ट हम ये ओपन करेंगे 8 * 7 * 6 * 5 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 3 * 2 * 1 * 5 फैक्टोरियल, तो ये भी 5 से 5 कैंसिल होगा, 8 फैक्टोरियल को भी हमने कहां तक एक्सपेंड किया 5 फैक्टोरियल तक, क्योंकि नीचे हमारी टर्म क्या थी 5 फैक्टोरियल, तो 5 फैक्टोरियल से 5 फैक्टोरियल हमने कैंसिल कर दिया और 3 फैक्टोरियल को भी हमने ओपन कर दिया और जो टर्म्स कैंसिल होती हैं वो हम कैंसिल करेंगे। अब 3 * 2 = 6 2 से 2 ये कैंसिल हो गया इज इक्वल टू
अब ये है 9 फैक्टोरियल, तो 9 फैक्टोरियल को हम कहां तक ओपन करेंगे, 5 फैक्टोरियल तक, क्योंकि हमारे नीचे टर्म क्या है 5 फैक्टोरियल। सो ये अब ओपन करेंगे 9 × 8 × 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1। तो 5 फैक्टोरियल से 5 फैक्टोरियल, ये भी टर्म कैंसिल हो गई। सो अब हम देखते हैं कि हमारे पास रिमेनिंग जो टर्म्स कैंसिल आउट हो गए, हमारे पास कौन सी टर्म बची है, वो भी हम राइट करेंगे। सो हमारी टर्म्स रह गई 6। तो हमारे पास टर्म क्या रह गई, 9 × 7 × 2, 9 × 7 × 2। तो इन जब हम मल्टीप्लाई करके ये जो आंसर आएगा ये किसके इक्वल आएगा, एक इन दो ये दूसरे के इक्वल आएगा। इससे हम कह सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड इसके इक्वल है राइट हैंड साइड। यही हमने प्रूव करना था कि ये दोनों टर्म्स एक दूसरे के क्या है, इक्वल है। सो नेक्स्ट अब हम सम नंबर 3 करेंगे, उसमें भी हमने यही करना है। अगर आपको कंसेप्ट क्लियर है परम्यूटेशन का, कॉम्बिनेशन का, तो आप कोई भी सम इजीली सॉल्व कर पाओ। सो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे वाले टर्म का बेस का भी फैक्टोरियल डिवाइड बाय 3 फैक्टोरियल इनटू 50 माइनस 3 फैक्टोरियल। सो नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या होगा, 50 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 3 फैक्टोरियल इनटू 50 माइनस 3 है इज 47 फैक्टोरियल। सो अब हम इसको कहां तक एक्सपेंड करेंगे, 50 फैक्टोरियल को 47 फैक्टोरियल तक एक्सपेंड करेंगे। तो 50 को हम कैसे लिखेंगे, 50 × 49 × 48 × 47 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 3 फैक्टोरियल। तो जब हम एक्सपेंड करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास, 3 × 2 × 1 इंटू क्या आया हमारे पास, 47 फैक्टोरियल कैंसिल आउट हो गया, क्योंकि 50 को हमने कहां तक एक्सपेंड किया था, 47 फैक्टोरियल तक, क्योंकि हमारे पास नीचे वाली टर्म में क्या था 47, 47 से 47 कैंसिल हो गया, और 3 फैक्टोरियल को जब हम कैंसिल करेंगे तो ये टर्म्स क्या आएंगी, 50 × 49 × 8। तो जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे, जब हम इन पूरे टर्म्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा, 1960। तो ये हमारे पास मल्टीप्लाई करके आंसर आ गया। हमने क्या किया, 50C3 हमारे पास था, कॉम्बिनेशन में हम क्या करते हैं, ऊपर वाली टर्म का फैक्टोरियल, इट मींस 50 फैक्टोरियल डिवाइड बाय बेस का फैक्टोरियल मींस 3 फैक्टोरियल इनटू इन दोनों की सबट्रैक्शन, नेक्स्ट 50 माइनस 3 फैक्टोरियल। नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या होगा, 50 फैक्टोरियल एज इट इज डिवाइड बाय 3 फैक्टोरियल इनटू 50 माइनस 3 फैक्टोरियल हियर इज 47 फैक्टोरियल। तो 50 फैक्टोरियल एज इट इज, 50 को हमने एक्सपेंड किया कहां तक, 47 फैक्टोरियल तक, तो 47 से 47 कैंसिल हो गया। अब हम 3 फैक्टोरियल को अगर ओपन करेंगे तो क्या आएगा, 3 × 2 × 1। सो 3 की टेबल पर, 2 की टेबल पर हमने 48 कैंसिल किया 24 पर, और 3 को हमने कैंसिल किया, 3 की टेबल पर 24 को कहां कैंसिल किया, 8 पर। तो हमारे पास कौन कौन सी टर्म रह गई, 50 × 49 × 8, और जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। सो बाकी के सम्स हम कल करेंगे।